एचएल टीवी न्यूज। करनाल कांग्रेस विधायक करण सिंह दलाल के मुख्यमंत्री खट्टर को भिखारी कहने का मामला गर्मा गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश सचिव चंद्र प्रकाश कथूरिया के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने कमेटी चौक पर वीरवार शाम कांग्रेस नेता करण सिंह दलाल का पुतला फूंका। उन्होंने कहा कि करण सिंह दलाल किसी अच्छे अस्पताल में अपना इलाज करवाएं। आज करण दलाल जो कांग्रेस का पलवल से विधायक है उसका पुतला जलाया है भाजपा के कार्यकर्ताओं ने। मुझे लगता है कि करण दलाल ने अपना संतुलन खो दिया है और उसको किसी अच्छे हॉस्पिटल में इलाज कराने की आवश्यकता है। जिस तरह से करण दलाल ने आज अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, उस भाषा को सुनने के बाद कोई भी राजनीतिक व्यक्ति तो छोड़ो, सूझबूझ का व्यक्ति भी ये समझेगा कि या तो उसका दिमाग का इलाज करने की जरूरत है या उसने अपना दिमाग कहीं और भेज दिया है। और मैं ये मांग करता हूँ कि करण दलाल स्वयं जाकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से माफी मांगे, अन्यथा उसके खिलाफ अदालत में मान आने का दावा किया जाएगा और उसको अगर माफी नहीं मांगे तो कार्यकर्ताओं में रोष है। भाजपा प्रदेश मंत्री ने कहा कि भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता से कांग्रेसी बौखला गए हैं और उल्टी सीधी बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश को माननीय मनोहर लाल जी के रूप में एक ईमानदार मुख्यमंत्री मिला है। हर रोज कांग्रेस के घोटाले जनता के सामने आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में भाजपा सरकार ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही है। करनाल से हलचल टीवी के लिए KCRA की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हलचल टीवी न्यूज।